तो आज की जो अपनी वीडियो है ना, ये अपनी जितनी और वीडियोस हैं उनसे थोड़ी सी हटके है। इंडिया का पहला बाइक है डबल सिलेंडर में। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, होर की हाल चाल। तो आज की जो अपनी वीडियो है ना, ये अपनी जितनी और वीडियोस हैं उनसे थोड़ी सी हटके है। तो फ़ोन को हाथ में रखिए और वीडियो को सामने रखिए, क्योंकि अपने पास जो आज व्हीकल है वो इंडिया का पहला, सही सुना आपने, इंडिया का पहला बाइक है डबल सिलेंडर में। तो वो कौन सा बाइक है वो आपको हम दिखाते हैं। अब आपको सबसे पहले मिलवाते हैं इनके ओनर से, तो इनके ओनर बताएंगे अब आपको ये सारे शोगन के बारे में, ये डबल सिलेंडर जो इंडिया का पहला है उसके बारे में अब आपको इनके ओनर ही बताएंगे। तो आओ यार तरुण भाई, बताओ, आ जाओ। तो ये अपने तरुण भाई, इन्होंने को आपने पहले भी देखा होगा अपनी जीप वाली वीडियो में। तो तरुण भाई, क्या मतलब क्या तैयार क्या किया है आपने, और ऐसे कैसे आपके मन में आया कि इसको तैयार करते हैं हम? भाजी ये डबल सिलेंडर शोगन है। हाँ जी, एक्चुअल में पहले एक डबल सिलेंडर यामा किया था तैयार। अच्छा। 135 to 270। Okay. उसके बाद मूड बना कि एक शोगन भी करा जाए, क्योंकि शोगन इंडिया में किसी ने पहले किया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इंडिया में ये चीज़ नहीं हुई है। इंडिया में AX100 जरूर हुई है। ओके। बट शोगन का किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल रेयर है। रेयर है, और इसके पार्ट्स भी मिलते हैं। इसके पार्ट्स सर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यही रीजन है कि शोगन को जल्दी जल्दी कोई लेता नहीं है। यही रीजन है कि इसको जल्दी से कोई हाथ नहीं डालता है। हाथ नहीं डालता। और आपने तो इसमें डबल डबल सिलेंडर डाल दिया और लोग हाथ नहीं डालते इसको। सर हमारे पास मान का था स्टॉक, तो हमने तैयार करा। अब हमें भी कई चीजें अरेंज करनी पड़ी है। तरुण भाई, ये आप बता दें कितने सीसी अब ये हो गए, ये क्योंकि डबल सिलेंडर? सर ये 220 सीसी हो गए। 220 220 सीसी। हाँ जी, 220 हो गया। पावर सर इसकी डबल हो गया, 28 BHP हो गया। पावर इंक्रीज है, क्योंकि अब एक सिंगल सिलेंडर है, अब उसी को हमने डबल करा है। ओके, उसका तो सिंगल ही तूफान होता है। तो इसमें आपने कुछ कटिंग वगैरह भी नहीं की ना? नहीं, इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं है। इसकी चेसिस बस थोड़ी सी मॉडिफाई की है। Okay. बट कोशिश यही थी हमारी कि ओरिजिनल लुक में ही रहेगी। तो यार आप इसके बारे में बताइए, ये जो शोकर्स हैं ये मेरे को थोड़े से हैवी लग रहे हैं। जो पहले आती थी जैसे शोगन हुई है उनमें थोड़े से पतले होते थे। भाजी बिल्कुल सही देखा है। तो बताइए आप, 220 के शोकर है पल्सर के। ओके, ठीक है। तो ये तो अब गाड़ी का वेट बढ़ गया है, इंजन डबल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका फ्रंट भी हैवी चाहिए। अगर FZ का डालते हैं तो ज्यादा मोटे शोकर हो जाएंगे। ठीक है। ऊपर से उसमें कोई ऐसा रिम फिटिंग नहीं आता है प्रॉपर। ओके, तो इसमें रिम फिट आ रहा था। रिम फिट आ रहा था प्रॉपर, हमने टी समेत इसको 220 का फ्रंट डाला है। तो तनु भाई एक और बात बताइए कि अपने कुछ सब्सक्राइबर भाइयों का कहना है कि क्या ये रोड लीगल है? सर ये एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंटल बेस है। ओके। जैसे कि एजुकेशनल लगा दीजिए, ये एक्सपेरिमेंट है, करा रही है, बट ये बाइक पास है। Okay. पासिंग है, सरकारी नंबर प्लेट है, 2027 तक ये पास है। 2027 तक ये पास है। 27 तक ये भाइयों, मेरे सब्सक्राइबर भाइयों, मित्रों, ये पास है। ठीक है। तो इसमें खर्चा कितना आ गया आप ये बताइए? नियर अबाउट 60 to 70 thousand खर्चा है। 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आया है ना? हाँ जी, 60 से 70 हज़ार रुपये इस पर खर्चा आया है। तो एक और तरुण भाई आप बात बताइए कि अगर किसी ने तैयार करवाना हो, जैसे इंडिया का पहला आपने किया है जी, तो अगर किसी ने, चलो शोगन के तो पार्ट्स नहीं मिलते, आपको भी पता ही होगा, तो अगर किसी ने RX 100 या RX 135 तैयार करवाना हो तो कर देंगे आप? वो भी कर देंगे सर, चाहे RX 100 हो चाहे RX 135। तो जिनके पार्ट्स आपको मिल जाएंगे वो आप तैयार कर? पार्ट्स यामा की इसलिए अवेलेबल होते हैं। और ये जैसे मरगार्ड है अगला, ये कौन से ब्रांड का है? ये भी 220 पल्सर का है जी। ये भी 220 ओरिजिनल मरगार्ड है। कंप्लीट फ्रंट लिया था, उसके साथ ही मरगार्ड। ये हेडलाइट भी 220? नहीं नहीं, ये हेडलाइट डिस्कवर की है। ये डिस्कवर की है। शोगन में एक्चुअल में स्क्वायर हेडलाइट आती थी, बट वो अभी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में राउंड शोगन का पता है क्या सिस्टम है? शोगन का ना, ये यामा RX 100 RX 135 से भी रेयर है। क्यों? क्योंकि इसके पार्ट्स ही नहीं मिलते यार। तो और ये इंडिकेटर ये बॉक्सर के ठीक है।
और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहे हैं आप इसके मीटर के बारे में। ये मीटर इसके ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ ये सेंटर केस ओरिजिनल है। ठीक है, ये मीटर LML के मोटरसाइकिल के आते थे, वो इसमें TVS इसके सुजुकी की उसमें फिट किए हुए हैं शोगन की ब्रैकेट में। ठीक है ठीक है ठीक है, ओरिजिनल लुक देने के लिए। ओके ठीक है, क्योंकि इसके कलर के साथ क्रोम केस ज्यादा मैच कर रहा है। ओके, बाकी बाइक रीपेंटेड है ये। हाँ। जो फ्यूल टैंक है और जो साइड कवर है और ये बैक है, ये ओरिजिनल था। ये ओरिजिनल है लेकिन है रीपेंटेड, ये है रीपेंटेड है। ओके, सिल्वर लेकिन ये है कि थोड़ा हटके भी लग रहा है, दूसरी आई कैची है जैसे हम कहते हैं। बस इसमें सिर्फ एक चीज की प्रॉब्लम है, वही अभी बात आ जाएगी कि सामान नहीं मिलता। अब जो इसकी ये स्टिकर किट है, हाँ जी, इसमें जो सुजुकी है ये ब्लैक मोटरसाइकिल पे दिए हैं ये स्टिकर्स। ओके ठीक है, जब आप दूर से देखोगे तो ये सुजुकी आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। हाँ, ये विजिबल नहीं होगा, ये ब्लैक जो सिल्वर में आता था वो ब्लैक में आता था लिखा। ओके, अब वो अवेलेबल नहीं है। ये स्टिकर्स भी ओरिजिनल है, ये स्टिकर ओरिजिनल, मतलब आधी से ज्यादा गाड़ी ओरिजिनल ही है। ये जैसे पीछे ये मडगार्ड भी आप देखेंगे तो ये मडगार्ड पे भी सुजुकी शोगन का ये ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो बाकी जो रहेगा इसके जो ये बैक लाइट है ये भी फ्याम की है, ये भी फ्याम की है। फ्याम की साथ में फ्याम की आती थी ना, साथ में फ्याम की, साथ में भी फ्याम की आती थी। तो मतलब आधे से ज्यादा बाइक तो ओरिजिनल ही है। ऊपर से जो सबसे बढ़िया तगड़ी चीज है वो है कि डबल सिलेंडर और इंडिया में पहला जो कि तैयार हुआ है अपने पटियाले में। तो तरुण भाई सारा हो गया इसका, हाँ सब बता दिया। और यार एक और चीज बताइए, जैसे ये लिखा हुआ है आई ये सर एक्चुअल में प्रॉपर विजिबल नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रल लाइट के लिए होता है, ये हाई बीम का हो गया, ये इसकी टूटी ऑयल की लाइट होती है, जब ऑयल का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, रेड लाइट आ जाती है। ठीक है, ये इसका टर्न सिग्नल हो गया, ये टर्न सिग्नल, ये ऑयल का हो गया। हाँ जी, ये ऑयल का कहाँ क्या है, ऑयल इसका जो टूटी ऑयल डलता है वो कम हो जाए, उसमें गेज होती है। ठीक है, जब वो गेज पे टूटी ऑयल लगना बंद हो गया, उसका लेवल मतलब खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर लाइट आ जाती है। ठीक है, ये बेसिकली ये भी एक और इसमें एक इंजन में और खासियत है, नॉर्मल जो शोगन होता है 4 स्पीड होता है। ठीक है, ये 5 स्पीड है। ओके, ये है 5 स्पीड। तो सारी बाइक हो गई, रोड लीगल है, 2027 तक पास है, तैयार ये कर देंगे। लोकेशन पंजाबी बाग है, लोकेशन पंजाबी बाग, बैक साइड ऑफ कोलंबिया हॉस्पिटल। ओके, नंबर तनु भाई नंबर बता दीजिए अपना, 6280905626। तो ऐसी चीजें बहुत रेयर दिखती हैं। तो आप भी कहते होंगे आपका भाई हर बार कभी डबल सिलेंडर यामा, कभी डबल सिलेंडर शोगन, और डबल सिलेंडर कुछ नया तैयार करेंगे फिर वो भी आपके सामने लाएंगे। क्यों तरुण भाई? बिल्कुल, जिनके मन में कोई बात हो, कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ा है, तो उसमें आप मुझसे पूछिए, तरुण भाई को फ़ोन कर लीजिएगा, नंबर है आपके पास तरुण भाई का, इन्होंने बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर और लोकेशन की दे दूंगा। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि आपको आवाज़ नहीं सुनाई है ना, टेंशन मत लो, वीडियो ऐसे ख़त्म नहीं करते, आवाज़ सुनाएंगे आपको और थोड़ा सा आपको चला के भी दिखाएंगे, है ना तरुण भाई? बिल्कुल हो जाए। तो तरुण भाई स्टार्ट करिए फिर, एक बार आप गेड़ा लगा के, दूसरी बार मैं गेड़ा लगा के, और सब्सक्राइबरों के मन में कुछ रहना। देख ली, आपको आवाज़ भी सुना दी, चला के भी दिखा दिया। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए भाजी, पिकअप के हिसाब से बताइए, पिकअप के हिसाब से मस्त है यार, मेरा दिल कर रहा था विली मार दूं, लेकिन विली मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, नहीं तो मेरा बहुत दिल था कि एक बार विली मार दूं इस पे, क्योंकि नया सेट किया है इन्होंने, तो वो भी रीज़न होता, ज़्यादा भगाया नहीं हमने। एक चीज़ और खास है बताइए, वो भी बता दीजिए, सारा भी बता दीजिए, खोल रही है जो इनके इसके सिलेंडर किट है। हाँ, दोनों विदाउट स्लीव। ओके, विदाउट स्लीव है ये दोनों, विदाउट जो मर्जी करो इसके साथ, 25 नंबर पिस्टन है दोनों, दोनों में 25 नंबर पिस्टन है जी, ये विदाउट स्लीव है दोनों। ओके, विदाउट स्लीव है, क्या बात है यार। तो ये सारा कुछ आप
खासियत यही है कि एक इसमें विदाउट स्लीप गेट है, पीछे बुलेट की आवाज आप इग्नोर करना, ठीक है ठीक है। फाइव स्पीड इसका, फाइव स्पीड गियर बॉक्स है, ठीक है। बाकी ये है कि इतनी अगर आप पावर जनरेट कर रहे हो तो फोर स्पीड तो चल ही नहीं सकता, नहीं चल सकता इसमें आपकी पहले ही तो किसी को भी अगर करवाना हो, बैठे हैं तरुण भाई, यामाहा का जो मर्जी, अगर सुजुकी शोगन या कुछ कराना है तो स्पेयर पार्ट उनको अरेंज करना है। शोगन का काम करवाना है तो स्पेयर पार्ट आपको अवेलेबल खुद करवाने होंगे, क्योंकि शोगन के पार्ट्स नहीं मिलते। RX 100, RX 135 किसी का भी करवाना हो तो तरुण भाई भी हैं, तरुण भाई के फादर साहब वो भी हैं, मोस्टली उन्हीं का दिमाग है ये, क्योंकि देखा जाए तो सारा तैयार इनके फादर साहब ने किया है, तो ये सारा उन्हीं का दिमाग है। अब हम बोलने को भूल ही गए कि ये हमने करा, ये हमने करा, एक्चुअल में मेरे फादर ने करा, उन्होंने किया। कुछ सोच भी नहीं सकता था कि आप इसको डबल सिलेंडर, एक सिलेंडर को डबल कर देंगे, तो क्या बात है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।